हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो लुक है ये एक बहुत अमेजिंग लुक होने वाली है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज कि ये एक पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल होने वाला है। सो आप अपनी नोटबुक्स लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप कोई भी स्टेप जो है वो स्किप ना कर दें एंड ये लुक जरूर रिक्रिएट और जरूर ट्राई करें। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यूट्यूब गिव अवे अभी भी चल रहा है और ये लास्ट करने वाला है अंटिल वी गेट 10,000 सब्सक्राइबर्स। सो बी द पार्ट ऑफ 10,000 फॉलोअर्स ग्रुप ऑन आर यूट्यूब चैनल और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आप भी हो सकते हैं मेगा गिव अवे के लकी विनर। तो बिना देर किए हम ये लुक को स्टार्ट करते हैं। ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ब्राइडल ओकेजन या फिर एंगेजमेंट ओकेजन के हिसाब से। आप देख सकते हैं मॉडल का बिफोर, जहाँ पे थोड़े पोर्स हैं स्किन में और थोड़ी टेक्सचर्ड स्किन है। तो इसका ट्यूटोरियल आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझें ताकि आप ये सब कवर करना सीख सकें अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने लिया है फॉरएवर 52 का कंसीलर और अपने ब्लेंडिंग ब्रश से आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ये कंसीलर। तो अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ फैशन कलर की आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं पिक कर रही हूँ एक ब्राउन शेड, जो कि मैं अपने कॉर्नर ऑफ द आई से क्रीज लाइन पे लेकर जाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल साइड पे ये ब्राउन आई शेडो अच्छे से फिल कर दिया है और इसको मैं एक जिगजैग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद विद द सेम आई शेडो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मेक श्योर इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से करें ताकि जो आपका आई शेडो है वो अच्छे से स्मोक आउट हो सके। तो दोनों आईज पे अच्छे से ब्राउन आई शेडो लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड स्टार्टिंग ऑफ द आई पे भी अप्लाई किया और इसे क्रीज लाइन के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। सो स्टार्टिंग ऑफ द आई से आपको अच्छे से लास्ट तक जाना है और सेंटर ऑफ द आई पे मैं एक शिमरी शेड लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं वो पार्ट को कवर नहीं कर रही हूँ। तो अब स्टार्टिंग ऑफ द आई और एंडिंग ऑफ द आई को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि बहुत ज्यादा स्मूथ कवरेज आए और बिल्कुल भी पैची ना लगे। आप देख सकते हैं अब मैं यूज करने वाली हूँ नताशा डिनोना की आई शेडो पैलेट में से रस्ट गोल्डन शेड। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे सेंटर ऑफ द आई पे अपनी फिंगर से अप्लाई किया है। इसे बहुत अच्छे से अप्लाई करें, जो एजेस हैं वो अच्छे से वेल ब्लेंडेड होने चाहिए, कोई शार्प लाइंस फॉर्म ना करें, सो दैट आपका जो आई शेडो है वो अच्छे से मर्ज्ड लगे। विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और अब अपने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ एंगलॉट का जेल आई लाइनर, ये है इंटेंस ब्लैक में। आईलाइनर को अच्छे से अप्लाई करूंगी, सो आईलैशेस के नीचे एक अच्छा इंटेंस ब्लैक बेस होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ एक विंग, आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि मैं विंग किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा विंग फॉर्म हो गया है। वंस द आईज आर डन, यहाँ तक आईज हो चुकी हैं, जेल आईलाइनर को ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए इस आईलाइनर पे अच्छे से ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ बन जाए। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ इंद्रा कॉस्मेटिक के ग्लिटर आईलाइनर्स। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग आईलाइनर्स हैं, स्पेशली अगर आपको कोई ब्राइड या एंगेजमेंट फंक्शन पे करना है, क्योंकि ये ग्लिटर आईलाइनर बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे देता है और कोई भी फॉल ऑफ नहीं होता फेस पे, जैसे कि बाकी ग्लिटर्स को यूज करने के बाद होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सेंटर में, ठीक सेंटर में अप्लाई किया है ये ग्लिटर। मैं दूसरे आईज पे भी सेम स्टेप रिपीट कर रही हूँ टू गिव द ग्लिटरी इफेक्ट और नाइट फंक्शन में ग्लिटरी आईज लुक सो सो गुड। सो फाइनली मैंने दूसरे आईज पे भी ग्लिटरी आईलाइनर, जो कि इंद्रा कॉस्मेटिक का है, ये अप्लाई कर दिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ माय ब्लेंडिंग ब्रश मैं अच्छे से जो एजेस हैं उन्हें ब्लेंड करूंगी सो दैट पूरी आईज एक साथ ब्लेंडेड लगे। फाइनली आईज कंप्लीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं आईज। अब आईज को थोड़ा और इफेक्ट देने के लिए आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आईब्रोज के नीचे कंसीलिंग कर रही हूँ। तो जो भी मेरा आई शेडो है वो बहुत अच्छा और आईज जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगे। फाइनली आई हैव कंप्लीटेड यूजिंग कंसीलर अंडर द आईब्रोज और इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि बिल्कुल सेपरेट प्रोडक्ट जैसा ना लगे। आप देख सकते हैं आईज हो चुकी हैं मेरी कंप्लीट। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ एनास्ताजिया बेवरली हिल्स का आईब्रो पोमेड और ये है चॉकलेट शेड में। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से जो भी गैप्स हैं आईब्रोज में वो अच्छे से फिलअप कर दिए। स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रोज को बहुत ज़्यादा इंटेंस ना करें, मेक श्योर कि आप कभी भी आईब्रोज को बहुत ड्रामेटिक ना करें। मैं सिर्फ आईब्रोज को फिल कर रही हूँ और स्टार्टिंग से आपको अपवर्ड्स लेकर जाना है एंड देन यू हैव टू जस्ट फिल अप द आईब्रोज। सिमिलरली मैं ये स्टेप दूसरे साइड पे भी रिपीट करने वाली हूँ। वंस अगेन आई विल टेल यू आई एम यूजिंग एनास्ताजिया बेवरली हिल्स का लिप ब्रो पोमेड, जो कि है चॉकलेट शेड में। एंड वंस आई एम डन विद द आईब्रोज मैं यूज करने वाली हूँ हाईलाइटर, अपने अंडर द आईब्रोज अच्छे से हाईलाइटिंग करने वाली हूँ। आप कोई भी हाईलाइटर यूज कर सकते हैं ताकि आईब्रोज को हाईलाइटिंग दे सकें और आईज थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हो जाए।
इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लाशअप की आई लैशेज। ये आई लैशेज का नेम है वाइफी। वाइफी इज वन ऑफ द बेस्ट आई लैशेज फॉर द मेन ओकेजन्स, वेडिंग और एंगेजमेंट फंक्शंस के लिए लैशअप आई लैशेज का वाइफी शेड इज द परफेक्ट। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 के वाइप्स और करूंगी फेस को बहुत अच्छे से क्लीन, ताकि कोई भी फेस पे जो डर्ट है, कोई भी फॉल ऑफ है मेकअप का, वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ध्यान रहे कि वाइप्स बहुत ज़्यादा जोर से फेस पे यूज़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी फेस पे पोर्स हैं या पिंपल्स हैं तो एक्ने हैं, तो हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा ताकि हम स्किन को एक फ्लॉलेस बेस दे सकें। अब हम यूज़ करने वाले हैं ओसी ग्लो की अंडर आई क्रीम। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से दोनों अंडर आई पे ओसी ग्लो की अंडर आई क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ओसी ग्लो की वाटर क्रीम। ओसी ग्लो की वाटर क्रीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाटर क्रीम्स फॉर द टेक्सचर्ड स्किन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर द ऑयली स्किन ऑल्सो। ऑयली स्किन इज़ मोर प्रोन टू एक्ने, तो हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना है ताकि जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके और फेस को हाइड्रेशन मिल सके और फेस बहुत ज़्यादा ऑयली ना लगे। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ओसी ग्लो का ग्लो सिरम। ओसी ग्लो का ग्लो सिरम फेस को एक इंटेंस हाइड्रेशन देने के साथ साथ एक ऐसा ग्लो देता है जो कि मेकअप के बाद भी रहता है। जी हाँ, आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करके देखिए। सो मेक श्योर टू यूज़ दिस ग्लो सिरम। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स और ये आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वेरी गुड स्किन केयर। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ टार्ट का पोर फिलर प्राइमर। आप देख सकते हैं स्किन पे कितने ज़्यादा पोर्स हैं और कुछ ओपन पोर्स हैं। टार्ट का पोर फिलर प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने पोर्स को फिलअप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमर। जहाँ जहाँ मुझे पोर्स लग रहे हैं वहाँ मैंने ये प्राइमर बहुत अच्छे से फिलअप कर दिया है ताकि जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो सकें। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NC30 का कॉम्पैक्ट ताकि प्राइमर बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा का ऑरेंज कलर करेक्टर। जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा पिगमेंटेशन लग रही है, ज़्यादा रेडनेस लग रही है, वहाँ मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन आज मेरी स्किन टोन के साथ मैच हो रहा है उस शेड का नाम है चाय। आप देख सकते हैं सारी रेडनेस कवर हो गई है फेस की, सारे एक्ने कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है तो मुझे एक्स्ट्रा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वंस द फाउंडेशन इज़ कम्प्लीट, आई एम ऑल सेट टू गो फॉर माई अनदर स्टेप। मैंने अच्छे से फोरहेड पे भी फाउंडेशन कर दिया है, और फुल फेस पे फाउंडेशन लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर कंसीलर वनीला स्वर्ल। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अंडर आईज, कॉर्नर्स, लिप्स के अराउंड बहुत अच्छे से कंसीलिंग कर दी है, और अब इसे मैं अपने ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि जो भी डार्क पार्ट्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं फेस के और कोई भी पिगमेंटेशन या कोई भी रेडनेस फेस पे ना लगे। अब मैंने अच्छे से कंसीलिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर ग्लो आ रहा है फेस पे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से स्किन को प्रेप भी किया था, और अब सारी जो डलनेस है, रेडनेस है या जो पिगमेंटेशन है वो सब की सब कवर हो चुकी है। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है फेस पे उसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो ब्लेंडर में आ जाएगा और वो ब्लेंडर सोक कर लेगा। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ माय फेवरेट लिक्विड ब्लश, जो कि है बाय रेयर ब्यूटी। रेयर ब्यूटी के लिक्विड ब्लशेस आर द मोस्ट फाइन ब्लशेस इन द मार्केट। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने चीक्स पे ब्लश कर दिया है। जो भी टेक्सचर था फेस पे, जो पिगमेंटेशन या पिंपल्स थे, वो सब कवर हो चुके हैं। अब आप देखिए ब्लश कंप्लीट होने के बाद फेस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और कितना ग्लोई फेस लग रहा है। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरा मर्सर का लूज पाउडर। लूज पाउडर करना बहुत ज़रूरी है गाइस, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सके, ट्रांसफ़र प्रूफ हो सके, और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ लॉरा मर्सर का लूज पाउडर। लॉरा मर्सर का लूज पाउडर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लूज पाउडर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है मेकअप को, और ये मेकअप को ट्रांसफ़र प्रूफ भी बनाता है। सो इसलिए ये मेरा फेवरेट लूज पाउडर है, और एक्सेस लूज पाउडर मैं फेस से शेड कर दूंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ फैशन कलर की पैलेट। इसमें से मैं लाइट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, जो कि मैं आईज़ के बेस पे अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई पे, सो दैट आईज़ जो हैं वो थोड़ी सी और बोल्ड लगें। यहाँ पे आईज़ थोड़ी सी
इनकम्प्लीट लग रही हैं, अब आईज को अच्छे से कम्प्लीट कर देंगे। अब बारी है मस्कारा की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का मस्कारा। आप देख सकते हैं मैंने जो फॉल्स लैशेज हैं और जो ओरिजिनल लैशेज हैं उनको अच्छे से मस्कारा से स्टिक कर दिया है। डोंट फॉरगेट टू डू द अंडर आई मस्कारा ऑल्सो। अंडर आईज पे आपको बहुत अच्छे से मस्कारा लगाना है ताकि जो लोअर आई लैशेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई लगे। आप देख सकते हैं वंस आई एम डन विद द अंडर आई मस्कारा पार्ट, आईज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गई हैं। जो भी एक्सेस मस्कारा लग गया है आप एक स्पूली ब्रश की हेल्प से उसे फिक्स अप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल पेंसिल। वाटर लाइन पे काजल पेंसिल लगाना बिल्कुल मत भूलें, इससे आपका आई मेकअप बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ब्लशर। के ब्यूटी के ब्लशर आर ऑल्सो ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी। ये एक पाउडर ब्लशर है, आप देख सकते हैं एक बार पाउडर सेटिंग हो गई तो हमारा ब्लशर रिपीट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज उससे हमारा फेस बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ साथ मैं यूज़ कर रही हूँ डियोर का ब्लशर जो कि एक पिंकी रोजी चीक्स वाला इफेक्ट देता है। एंड डोंट फॉरगेट द कॉन्टोरिंग पार्ट। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर जिससे मैंने जॉ लाइन को अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर दिया है। जॉ लाइन के साथ साथ आपको चेक बोन पे भी अच्छे से कॉन्टोर करना है एंड डोंट फॉरगेट द फोरहेड ऑल्सो, नहीं तो फोरहेड काफी ज्यादा व्हाइट लग रहा है। और जैसे ही हमने कॉन्टोर करी तो कॉन्टोर से बिल्कुल शेडोज वापस आ गई। अब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं नोज के अराउंड अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से टेक्निक फॉलो कर रही हूँ सो दैट जो मेरा नोज है वो और ज्यादा शार्प लगे। कितना ज्यादा चेंज आ गया फेस में, कितना सटल लग रहा है एंड येट नॉट सिंपल। तो इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ लिप पेंसिल। तो जो लिप पेंसिल मैं आज यूज कर रही हूँ ये है मैक की सार लिप पेंसिल। सो मैंने अच्छे से लिप लाइनिंग कर दी है। लिप लाइनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो भी आप लिप शेड यूज करेंगे वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ABH की लिप शेड। द शेड इज हडसन एंड स्ट्रिप्ड, दोनों ही वन ऑफ माई फेवरेट शेड है। मैं दोनों को यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं दोनों की मिक्सिंग के बाद जो शेड बन रहा है दिस इज अमेजिंग। और ये बहुत ज्यादा सटल शेड है, ना बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है लिप्स पे, इट्स जस्ट द परफेक्ट शेड। और ये एक बिल्कुल न्यूड येट थोड़ा सा ब्राइटर सा टोन दे रहा है। अब इसको कवर अप करने के लिए मैंने ABH का स्ट्रिप लगाया है इसके ऊपर ताकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर इफेक्ट दे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं लिप्स एक बार कंप्लीट होने के बाद। यहाँ लिप शेड कंप्लीट करने के बाद मैं लिप्स पे थोड़ा सा ब्लशर लगा रही हूँ लिप्स को प्रॉपरली मैट करने के लिए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन डीके का फिक्सर और ये फिक्सिंग स्प्रे विल कीप द मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। और आप देख सकते हैं ये है मेरी फाइनल लुक। आई होप यू लाइक आज का ट्यूटोरियल। दिस वॉज अ लेंथी ट्यूटोरियल बट आई होप आपने बहुत कुछ सीखा हो। और अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। बाय गाइस।